वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल स्टैक। है लेके आ चुका है फिर से दो फोन यार। ये दोनों को जो फोन है भाई, ना ही अंडर 10,000 है ना ही अंडर 15,000 है। ये दोनों जो फोन है भाई बीच का है भाई, 12,000 के बीच में है गाइस। ठीक है भाई, तो दोनों फोन को फुल कंपेयर करेंगे भाई और अपना ओपिनियन बताएंगे गाइस, आपको कौन सा फोन परचेस करना चाहिए भाई। आगे बढ़ने से पहले इसका पहले ही बता दो, दोनों फोन 4G है गाइस और दोनों फोन ऑलरेडी लॉन्च है, आपको फ्लिपकार्ट पे जाके ले सकते हो यार। दोनों फोन का मॉडल बता दे भाई, पोको का M3 एंड सैमसंग M12 गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M12 गाइस। दोनों फोन का फुल कंपेयर करेंगे गाइस एंड अपना ओपिनियन बताएंगे, प्राइस वराइस सब बताएंगे भाई। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो यार, चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर लेना भाई। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, बात कर रहे हैं दोनों फोन की यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे सैमसंग में यार 6.5 इंच का एक HD+ आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है भाई, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से वाटर ड्रॉप नॉच आपको डिस्प्ले सही देखने में मिलता है। बट पोको M3 में भाई थोड़ा स्ट्रा लेवल का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, 6.53 इंच का फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है भाई, वाटर ड्रॉप नॉच के जाता है भाई। तो पोको M3 यार विनो होता है भाई, बिकॉज थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है भाई। ठीक है, बात करेंगे दोनों फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे सैमसंग में 6,000 mAh बैटरी देखने मिल जाता है विद 15W चार्जर टाइप सी आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाता है। बट पोको M3 में गाइस अबे 6,000 mAh बैटरी देखने मिलता है, लेकिन भाई चार्जर जो गाइस 18W का चार्जर देखने मिलता है इन बॉक्स टाइप सी गाइस, तो इसीलिए पोको M3 विन होता है गाइस। बात करें दोनों फोन के रियर कैमरे की, तो सैमसंग M12 में क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है 48+5+2+2 MP का, लेकिन पोको में यार जो कि भाई कैमरा जो भाई ट्रिपल सेंसर भाई 48+2+2 MP का गाइस। तो देखो भाई दोनों में यार ज़्यादा कंपेयर नहीं बनता है, लेकिन भाई सैमसंग यार विन होता है भाई रियर कैमरे के मामले में भाई। दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें, तो सैमसंग में 8 MP का फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने मिल जाता है भाई, जो ठीक ठाक कैमरा है भाई। बट पोको M3 में भाई सेम कैमरा आपको देखने मिल जाता है भाई वाटर ड्रॉप नॉच के साथ भाई 80 MP का। तो दोनों फोन के भाई फ्रंट कैमरा में कोई कंपेयर नहीं बनता है, बिकॉज दोनों ही यार विन होता है गाइस। ठीक है, दोनों फोन के भाई यहाँ पे भाई इंटरनल स्टोरेज की बात करें भाई, तो अंडर 10,000 गाइस सैमसंग यार 4GB 64GB देता है भाई। बट पोको M3 भाई थोड़ा सा हट के भाई मतलब यार इंटरनल स्टोरेज देता है भाई, जो कि भाई रैम यहाँ पे ज़्यादा भाई 6GB 64GB गाइस अंडर 10,000 में यार पोको M3 में आपको देखने में मिल जाएगा गाइस, जो कि भाई पोको M3 यार विन होता है गाइस इंटरनल स्टोरेज के मामले में भाई। बात करें भाई दोनों फोन के प्रोसेसर की भाई, तो भाई काफ़ी ग्रेटेस्ट यहाँ पे प्रोसेसर का यार कॉम्पिटिशन होता है भाई। सैमसंग M12 है भाई सैनॉक्स 850 एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है भाई, जिसमें भाई आप BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भाई आराम से भाई लो से मीडियम सेटिंग में खेल सकते हो यार। बट पोको M3 में गाइस भाई जो प्रोसेसर है भाई वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है गाइस, जो कि प्रोसेसर भाई स्नैपड्रैगन 662 एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स गाइस, जिसमें आप भाई BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी भाई आप आराम से मीडियम से हाई सेटिंग में खेल सकते हो गाइस बिना एनी प्रॉब्लम के गाइस, क्योंकि भाई यहाँ पे रैम भी यार ज़्यादा है भाई, तो इसलिए भाई यहाँ पे प्रोसेसर एंड भाई रैम के मामले में यार भाई पोको M3 विन होता है गाइस। ठीक है, बात करें गाइस दोनों फोन का भाई सेंसर की, तो भाई सैमसंग में यार एक्लोमीटर फिंगरप्रिंट ग्रिप वर्चुअल एंड वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी ये भाई चार सेंसर आपको देखने मिल जाता है भाई, जो भाई ठीक ठाक सेंसर भाई सैमसंग में आपको देखने मिलता है भाई। लेकिन पोको M3 की बात करें भाई सेंसर के मामले में यार भाई, तो यहाँ पे भाई ये भी यार बाजी मारता है भाई, जिसका भाई काफ़ी अच्छा अच्छा भाई आपको सेंसर देखने को मिलता है गाइस पोको M3 में गाइस। एविनेट लाइट, प्रोक्सिमिटी, फिंगरप्रिंट, एक्लोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कैंपस एंड गाइस अदर भी कैंपस भाई, जो कि आयर ब्लास्टर वगैरह भाई उतना भाई मैंने नहीं दिया भाई, इसलिए भाई पोको M3 यार सेंसर का मामले में यार विन होता गाइस। ठीक है, दोनों फोन के कलर की बात करें, तो सैमसंग M12 में यार ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट कलर आपको देखने को मिल जाता है भाई, जो कि यार काफ़ी अच्छा अच्छा भाई आपको कलर देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है भाई, बट पोको M3 में गाइस यहाँ पे जो मतलब कलर दिया गया भाई, जो कि भाई कूल ब्लू, पावर ब्लैक एंड येलो, ये तीन प्यारा सा कलर भाई, दोनों फोन में प्लास्टिक का फिनिशिंग गाइस, तो पोको M3 भाई प्यारा प्यारा के तीन कलर है भाई, इसलिए पोको M3 विन होता है गाइस। ठीक है, तो गाइस आई होप भाई आप लोग वीडियो कंपेयर समझ में आया, तो वीडियो कंपेयर समझ में आया तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो कर लो सब्सक्राइब, ताकि यार ऐसी वीडियो मिलती रहे गाइस। तो देखो भाई दोनों फोन का प्राइस सबसे पहले बता दे भाई आप एंड अपना ओपिनियन भाई बाद में बताएंगे। पोको M3 गाइस अंडर 10,000 ना ही अंडर 15,000 के बीच में आता गाइस, यानी कि अंडर 12,000 आता है, और गाइस सैमसंग गैलेक्सी M12 भी गाइस अंडर 12,000 ही आता है भाई। दोनों फोन का डिस्प्ले की बात करें भाई, पोको M3 में गाइस 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, बट सैमसंग गैलेक्सी M12 में गाइस 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले यार, इसलिए भाई पोको M3 यार डिस्प्ले का मामला विन होता है गाइस। बात करें भाई दोनों फोन की बैटरी बैकअप की, तो पोको M3 में गाइस 6,000 mAh बैटरी देखने मिल जाता है भाई विद फास्ट चार्जिंग गाइस टाइप सी के साथ, बट सैमसंग गैलेक्सी M12 में गाइस 6,000 mAh बैटरी देखने मिल जाता है 15W फास्ट चार्जिंग के साथ टाइप सी के साथ गाइस। तो देखो भाई पोको M3 भाई बैटरी मामले में विन होता है गाइस, क्योंकि चार्जर ज़्यादा अच्छा है भाई। बात करें भाई दोनों फोन के कैमरे की भाई, और रियर कैमरे एंड फ्रंट कैमरे के भाई, तो पोको M3 में गाइस 48+2+2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है यार विद 8 MP फ्रंट कैमरे के साथ भाई पोको M3 में गाइस। सैमसंग M12 में गाइस 48+5+2+2 MP वो रियर कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है भाई, इसलिए भाई सैमसंग M12 गाइस क्वाड कैमरे के मामले में विन होता है गाइस
रियर कैमरे के मामले में क्वाइट कैमरा है गाइस, रियर कैमरे के मामले में विन होता गाइस। फ्रंट कैमरे में यार दोनों फोन में यार कंपेयर नहीं बनता, बिकॉज गाइस 8 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन में कैमरा यार, फ्रंट कैमरा भाई दोनों फोन के। भाई बात करें भाई इंटरनल स्टोरेज प्राइस की भाई, तो 664 GB के साथ आपको अंडर 12,000 में आपको देखने मिल जाएगा पोको M3 गाइस, बट सैमसंग गैलेक्सी M12 गाइस 4GB 64GB के साथ ही देखने को मिलता है गाइस। दोनों फोन के प्रोसेसर की बात करें भाई, तो यहाँ पे भाई जो प्रोसेसर दिया गया काफी हाईएस्ट प्रोसेसर दिया गया भाई पोको M3 में, और 6 Snapdragon का 662 एंड्रॉइड 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाता है भाई। सैमसंग गैलेक्सी में आपको गाइस सैमसंग गैलेक्सी M12 में गाइस सैनॉक्स 850 एंड्रॉइड 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाता है भाई, बिकॉज गाइस दोनों फोन ऐसे जो प्रोसेसर है पोको M3 का बिन हो जाता है गाइस। बट क्यों? क्योंकि भाई पोको M3 आप भाई कॉल ऑफ ड्यूटी और गाइस BGMI वगैरह आप आराम से खेल सकते हो भाई लो से मीडियम सेटिंग में गाइस, बट सैमसंग M12 में गाइस आप नॉर्मल ही सेटिंग में आप खेल सकते हो गाइस, ठीक है भाई। तो वीडियो में कंपेयर ही बनता है भाई, आप पोको M3 लो भाई काफ़ी अच्छा फोन है यार, क्योंकि भाई इसमें यार डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, कैमरे के मामले में उतना नहीं जो भाई, कैमरा भी अच्छा भाई, प्रोसेसर भी अच्छा है एंड इंटरनल स्टोरेज भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए भाई आप पोको M3 लो यार, ठीक है भाई। दोनों फोन भाई आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, मेरा ओपिनियन नहीं बनता भाई, आप पोको M3 लो यार। वीडियो पसंद आया वीडियो कर लो लाइक, और चैनल फर्स्ट हमारा कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।